हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन सब बनाएंगे और एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा और हरी मिर्ची डाल देंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर टमाटर को चॉपर में डालकर चॉप कर दिया है। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कवर करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। बीच में हम 1-2 बार इसे मिक्स कर देंगे, नहीं तो नीचे से जल सकती है। अब हमारा टमाटर एकदम अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक, हल्दी, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी काश्मीर चिली का पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला का पाउडर। अब हम इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें आलू को बॉईल किया हुआ आलू को इस तरह से काट कर हम इसमें डाल देंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कुछ आलू को हम इस तरह से दबा दबा कर मिक्स कर देंगे, जैसे कि हमारे जो आलू की सब्जी थोड़ी सी थिक बनेगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कितना आपको थिक चाहिए आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में। हम इसे अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा आलू की सब्जी एकदम बनकर रेडी हो गई है। एकदम कम समय में और कम मसालों में एकदम ये बनकर रेडी हो गई है। देखिए बढ़िया कलर आई है और एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। आप इसे रोटी, चावल या पूरी, पराठा जिसके साथ चाहे आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस तरह से बनाइए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।